अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। करने से पहले आप सबसे ये बात बता दूँ कि आप सबको सॉरी ये बात बता दूँ कि आज ये मेरा कोई व्लॉग नहीं होने वाला। आज जो है एक छोटी सी बात का जो है मैंने उसको क्लियर करना है कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी। मैंने बहुत कोशिश की बट अब ना आप लोग के क्वेश्चंस, आप लोग की बातें, मेरे ख्याल में शायद ये इंपॉर्टेंट था आप लोग को जवाब देना। इस बात थोड़ी सी लंबी हो जाने वाली थी इसलिए मैं सोचा कि मैं जो है इसको लगा लेती हूँ रिंग लाइट पर और फिर मैं आप लोगों से आराम से बैठ के सारी बातें जो है तफसील से कर लेती हूँ। बात हो रही है ज़मीन के पैसों की और भी काफ़ी खैर बातें हुई हैं, उन पर मैं कोई बात नहीं करना चाहती कि जैसे कि नैना को नैना ने जो अभी तक आप वीडियो क्यों नहीं बना रही, आप लोग के उन्होंने पैसे देने हैं, आप वीडियो क्यों नहीं बना रही, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों डरती हो उनसे। देखिए मुझे किसी से कोई डर नहीं है, मैंने पहले हमेशा से कहा है कि डर सिर्फ खुदा का, मुझे किसी से डर नहीं लगता। ये है कि मेरी प्रेगनेंसी से जब मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई, जब मैंने आप लोग को ये खबर दी थी कि मैं प्रेगनेंट हूँ, उसी टाइम मैंने आप लोगों से ये भी कहा था कि मैं आज के बाद कोई रिएक्शन नहीं लूँगी। और इसी तरीके ये जो आज की वीडियो है ये भी मेरा कोई रिएक्शन नहीं है, ये बस आप लोग को एक सिंपल से जो आपके क्वेश्चन हैं उनके आंसर रहेंगे जो मैं भी आप लोग को दूंगी। पहली बात कि अगर उन लोग एक बात है इस बात पर आ रहे हैं कि अगर वो लोग पैसे नहीं दे रहे तो मैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊं, मेरी बात सुने। मैंने कभी, मुझे इस चीज़ का पहले कभी नहीं पता था कि भाई ये हमने पैसे लेने पैसे देने नहीं, ये मुझे बस पता था कि इनके पैसे मुझे लगा दिलभर वालों के देने, मुझे नहीं पता कि वो मेरा हिस्सा है, मतलब मेरा हिस्सा मतलब उसमें मेरा भी हिस्सा है, मुझे इस चीज़ का नहीं पता था। और जब मैं मदीना गई उस टाइम ये बात हुई थी, जब मैं यहाँ से मदीना गई थी उस टाइम ये बात हुई थी कि हाँ पैसे देने, मुझे ये दिमाग में जमा था कि पैसे देने हैं। अब मुझे उस टाइम भी यकीन करें मुझे ये पता नहीं था कि वो पैसे मुझे मिलने हैं या किसी और को मिलने हैं। खैर कुछ टाइम गुजरा, अब 2-3 महीने हुए हैं, अब मुझे जाके पता चला कि वो जो पैसे हैं जो बच रहे हैं तो सलमाबाजी ने और सलमाबाजी के हस्बैंड ने ये डिसाइड किया कि वो पैसे वो मुझे देंगे, क्योंकि मेरा ना अपना घर है ना मेरे पास अपना कुछ गोल्ड का ना ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये सोचा है कि सबके पास अपने घर हैं, मतलब बाबर दिलबर का पंजाब में भी घर है, यहाँ पर भी घर है, उनका मतलब वो सेटल है, लेकिन नैना के पास ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर जो इनके तुम लोग के पैसे बनते हैं तो वो नैना को हम पैसे देंगे और सिर्फ नैना को ही देंगे कि वो अपना या फिर सलोन खोले या फिर अपना घर जो भी करवाना चाहती है करवा ले, या फिर अगर किस्तों पर उसने घर लेना है तो वो किस्तों पर घर ले लें। तो 2-3 महीने से ये बात हाँ ज़रूर चल रही थी। तो इस बात के बाद अभी जो है कुछ टाइम पहले, कुछ दिनों पहले ये बात हुई है घर वालों के सबके फोर्स करने पे कि पैसे जो है उनको बोलो कि वो पैसे दे दें। फिर मैंने उनसे बात की और उन्होंने कहा कि चलो ठीक है हम आप हिसाब करें। हिसाब करने के बाद टोटल कितना, मतलब जितना भी अमाउंट बच रहा था, मैं उस अमाउंट को यहाँ पर रखना नहीं चाहती, जितना भी अमाउंट बच रहा था उसके जो है सलमाबाजी के शौहर ने ये बात की है कि चलो मैं इसको दे दूंगा। लेकिन अभी परसों में जब मेरी बात हुई उन्होंने कहा कि ना, कल मेरी बात हुई उन्होंने, कल परसों हुई, हाँ परसों हुई ये बात, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि नैना अभी मेरे पास जो है, हमने क्योंकि घर भी उन्होंने शिफ्ट किया तो अचानक से बोला कोई पैसा रख के बैठा नहीं होता, तो उसको पैसे हमें थोड़ा सा जमा करने के लिए मतलब थोड़ा टाइम चाहिए, तो हम लोग 2-3 महीनों में थोड़े थोड़े करके दे देंगे, हम ये पूरी कोशिश करेंगे। तो ये बात मैंने घर में बताई, घर में सब घर वालों से ये बात शेयर की, फिर सब ने कहा कि देखो नैना हम तुम्हारे कहने पे, हम जैसे तुम जैसे जितना पैसा बन रहा है हम वो सब ले रहे थे, लेकिन देखो अब वो पैसे नहीं दे रहे, और सब मुझ पर गुस्सा हो गए। इसी तरीके से कल अम्मी ने वीडियो बना दी जिसके ऊपर कमेंट्स आ रहे थे और सब मुझे गालियाँ दे रहे थे कि तुम उनको उनका साथ क्यों नहीं छोड़ती, सब मुझे आके बातें करने लगे। तो मेरी बात सुने, पहली बात जब ज़मीन ली थी उसमें मैं नहीं थी ना ज़मीन देने में ना ज़मीन लेने में। हाँ अब अगर किसी ने, उन्होंने खुद से ये बोला कि वो मुझे देंगे तो ये इसमें मेरा कोई हेडिक नहीं है। तो खैर जब सुबह वीडियो बनी तो आज सलमाबाजी की, और खैर रात को ही मुझे सलमाबाजी ने कह दिया था, वो कोई मैसेज आया था, मैंने उनको मैसेज सेंड किया था, महीने नहीं हम जनवरी में अब आपको पैसे दे देंगे, मतलब रात को हमारी ये बात हो चुकी है कि हम जनवरी में पैसे देंगे दे देंगे, लेकिन ये बात हमारी 4 बजे हुई थी, उनका मैसेज आया हुआ था, क्योंकि मेरी और सलमाबाजी की ज़्यादातर बात नहीं हो पाती, वो इसलिए भी कि उनके जो है नेट का पैकेज मतलब जो है था ना वो नहीं होता वहाँ पर, और मेरे पास एमओ नहीं है, उनके पास एमओ है, मेरे पास एमओ, मेरे पास स्नैप है, बहुत कम हमारी बात होती है, ज़्यादातर हमारी बात नहीं हो पाती। तो वो जो है अब अम्मी ने सुबह वीडियो अपलोड कर जिसकी वजह से आपने ये कहा, और लेकिन अब ये बात मैं आप लोगों को भी बता दूं कि अब फाइनल बात ये हुई है कि वो लोग जनवरी में पैसे दे देंगे, और मुझे लगता है हमें भी इस बात को समझना चाहिए कि भाई हाँ वो जनवरी में पैसे दे देंगे, अगर अभी किसी के पास अचानक से कोई भी इतनी अमाउंट नहीं रख के बैठा होता उसको थोड़ा अरेंज करने में थोड़ा टाइम लगता, तो मैंने इस चीज़ को समझा और मैं आके यहाँ पर वीडियो तब बनाती, मैं आके उनके अगेंस्ट तब बोलती या तो मुझे इस चीज़ की लालच होती कि हाँ मुझे वो पैसे दे रहे थे तब मैं उनके साथ होकर, मुझे पैसे नहीं दे रहे तो मैं उनके खिलाफ हो रही हूँ। ठीक है, मैं किसी के साथ भी पैसों के लिए नहीं हूँ ना किसी के खिलाफ मैं पैसों के लिए हूँ। और हाँ एक और चीज़ कि मेरी जब उनसे डायरेक्ट बात हो रही थी मुझे नहीं लगा कि मुझे ये ज़रूरी नहीं लगा कि मैं यहाँ पर आके वीडियो बनाऊँ
बनाऊँ और वीडियो में आके ये सब बातें बोलूँ, क्योंकि जब एक इंसान से आप एक फेस टू फेस बात कर सकते हो या फिर आप उनसे कॉल में बात कर सकते हो, तो आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पर वीडियो बनाने की। जो मैंने अब तक तो 1.5 साल में ये नोटिस किया कि हमारे अंदर में ज़्यादा मसले इसलिए बढ़ रहे हैं कि हमारे पास नंबर होने के बावजूद भी, मोबाइल होने के बावजूद भी, हमारे पास हर सहूलत होने के बावजूद भी हम एक दूसरे से बात नहीं करते और बस आके वीडियो बनाते हैं, जिसके रिजल्ट में अगला और वीडियो बनाता है और ऐसे करते करते एंड में हम एक दूसरे को नंगा करके, बिल्कुल नंगा करके चले जाते हैं। हालांकि इस चीज़ को बहुत आसानी से भी हल किया जा सकता है। ये बात इन सब चीज़ों की, शर्माजी के शोहर आके ये बातें करते हैं या फिर ये लोग कुछ ऐसी बातें करते हैं, मैं आप सबसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, जब ये मामला शुरू हुए थे तो उस टाइम हाँ मैं इन सब के बीच में थी, तो हर किसी के देखो, बेशक सलमा साइड है, बेशक सितारा साइड है, हर तरह जो भी जिस तरह भी लोग थे उन सबको दुख बर्दाश्त करना पड़ा और किसी को ज़्यादा करना पड़ा, किसी को कम करना पड़ा, तो उन सब चीज़ों में मैं भी थी, मैंने भी हर चीज़ देखा, मैंने भी हर चीज़ किया, बट अब उस टाइम मैं ये सब चीज़ें बर्दाश्त कर सकती थी। और एंड में क्या हुआ कि सलमा भाजी ने आके ये बात कर दी कि मैं अपनी अम्मी की वजह से अब चुप हो रही हूँ और अब मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँ, और सेम जो है सितारा ने भी ऐसी बात की थी और मामू साजिद ने भी जो बीच में एक वीडियो बनाई थी जिसमें कहा था कि सैम को मना किया था। तो खैर जो भी मैच था वो सब मैच जब ख़त्म हुआ उसके बाद ही मैंने इस चीज़ से कह दिया कि मैं भी सब चीज़ों को डिसऑन करती हूँ। सैम ने वीडियो बनाया उसमें उन्होंने सबको डिसऑन कर दिया था जो कि गलत बातें करते थे, जब मामू साजिद ने वीडियो बनाया उन्होंने भी सबको डिसऑन कर दिया था कि जो लोग गलत बात करते हैं। मैं अभी इन सब चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं करना चाहूँगी, मैं आपको सच बताऊँ, टू बी ऑनेस्ट, मैंने दोनों तरफ मतलब मुझे एक एक बात का पता है, इस तरफ का भी इस तरफ का भी, ठीक है। मैंने जब दोनों को देखा है ना तो मुझे ये चीज़ हुआ कि दोनों में से अभी इस टाइम किसी की भी गलती नहीं है, ठीक है, जो मैं अभी देख रही हूँ, जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है, जो बीच में करने वाले हैं रिएक्शन वाले जो भी चीज़ें कर रहे हैं उनको ये लगता है। एक मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात समझाती हूँ कि जो ये दूसरी साइड है, सितारा साइड है, वो लोग ये समझते हैं कि सलमा वाले करवा रहे हैं, सलमा साइड समझते हैं कि सितारा वाले करवा रहे हैं, इसलिए यहाँ से बात होती है फिर वहाँ से बात होती है और ये बातें बहुत बढ़ती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा ओवर होती जा रही हैं। खैर इसमें अब मैं कुछ नहीं कर सकती, जब तक ये मैं सब था और जब तक ये चीज़ें बंद नहीं हुई थी तब तक मैं चीज़ में रही। अब जब ये चीज़ें सब खुद ही इन्होंने ख़त्म कर दी, सलमा जी ने भी, मामू साजिद ने भी, सितारा की तरफ से भी, बिजनेस खुद ही खत्म हो गया, उन्होंने कहा है कि अब हमने इस बात पर बात नहीं करनी, और हमारे सपोर्टर्स से भी हमारी गुजारिश है कि वो इन बातों पर बात ना करें, लेकिन कुछ सपोर्टर्स हैं जो इन बातों को अभी तक लेके बैठे हुए हैं। तो खैर ये उनके पर है कि वो लोग नहीं बंद कर रहे ये चीज़ें और अल्लाह उनको हिदायत दे। मुझे अब इसमें इस बात के बाद मुझे आके बोलेंगे कि तुम नागिन हो, तुम ये हो वो, मैं वो सब चीज़ें मानती हूँ, मैं जैसी भी हूँ, बट इस टाइम मैं इन सब चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रही, मैं इन सब चीज़ों को नहीं लेके चल सकती। बस ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था ताकि मैं सबको क्लियर कर सकूँ, मुझे किसी से कोई डर नहीं लगता। मुझे हमेशा आके ये कभी कहते हैं, कभी सलमा सपोर्टर्स जो है वो आके मुझे ये कहते हैं कि तुम जो हो सितारा वालों से इसलिए डरती हो कि तुम्हारे पास, उनके पास तुम्हारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, सितारा तुम्हारे बारे में आके बातें करने वाली थी, और जो सितारा सपोर्टर्स हैं वो मुझे कहते हैं कि सलमा के पास तुम्हारी वीडियोज़ हैं, कुछ चैटिंग है तो वो दिखा देगी, तो तुम इससे डरती हो। मुझे किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ना इस तरफ से ना इस तरफ से, दोनों की तरफ से मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं करता ना ही कोई बात है, और अब जो हो रहा है और ये चीज़ें इतनी बढ़ जाएंगी मैंने कभी नहीं सोचा था। इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए मैंने अपने आप को ख़त्म करने तक सोचा था कि ख़त्म हो जाए बस की तरीके, क्योंकि वो जो चीज़ें हो गई थी वो मुझे नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, तो मुझसे ख़त्म, मैंने कहा मैं मर जाऊँ तो सब चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, बट वो वही बात है ना कि मतलब अब सब चीज़ें बहुत मैसअप हो चुका था, कुछ भी ठीक नहीं हो पाया और पता नहीं शायद, और मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्ड हो रहा है। खैर मुझे जो भी सुन में मैंने बोल दिया, मुझे नहीं पता मैंने क्या कहा है, क्या सही कहा है या फिर गलत कहा है, क्योंकि दिमाग नहीं काम करता मेरा इतना। आई होप आप लोग को मेरी हर बात समझ में आई होगी, अगर कोई बात बुरी लगी हो तो मैं पैसा तो हूँ नहीं कि सबको अच्छा लगूँ। कल मिलूँगी मैं आप लोग को एक ब्लॉग के साथ, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।